Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Desi and Pardesi Food with Anna. Please subscribe to our channel. आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक का बटन भी प्रेस किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. आज हम बनाने जा रहे हैं पम्पकिन ब्रेड, पम्पकिन लोफ ब्रेड. तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले तो पम्पकिन चाहिए. ये मैंने लिया हुआ 150 ग्राम पम्पकिन स्लाइस करके, मैंने कट करके उस मतलब छील के रखा हुआ. और मैं ये वैसे भी बना रही हूँ पम्पकिन ब्रेड होल वीट और टोटली मतलब होल वीट जो है इन चक्की का जो आटा होता है उससे बना रही हूँ. मैं मैदे से नहीं है, ऑल पर्पज़ फ्लोर से नहीं बना रही. अगर आप चाहते हैं ऑल पर्पज़ फ्लोर से बनाना तो आप वो भी बना सकते हैं. लेकिन ये वो माएँ जो कहती हैं हमारे बच्चे सब्ज़ी रोटी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ब्रेड बेस्ट है कि पम्पकिन भी उसमें आ जाएगा, सब्ज़ी भी, और ये वेजिटेबल है ये बेसिकली. और आपको होल वीट आटा यूज़ करेंगे, चक्की का आटा यूज़ करेंगे. मैं चक्की के आटे के साथ साथ जौ का आटा यूज़ भी कर रही हूँ. ये मैंने 150 ग्राम होल वीट यानी चक्की का आटा लिया, गंदम का आटा, ये गंदम का आटा है और ये जौ का आटा है, ठीक है. जिसे हम पॉरिश भी पॉरिश भी आपको पता होगा, आप बार्ले पॉरिश लाते हैं तो वो जौ का दलिया भी यूज़ कर सकते हैं वो इसमें. लेकिन ये है कि उससे बेस्ट है कि आप जौ का आटा यूज़ करें. साथ में ये मैंने 50 ग्राम ऑयल लिया है, ये 110 ग्राम इसमें मैं दूध इस्तेमाल करूँगी, पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी. इसमें मैं यीस्ट डालूँगी 1 टीस्पून, और साथ में मैं इसमें शुगर और सॉल्ट यूज़ करूँगी. चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप पम्पकिन जो आपने लिया है, मैंने ऑलरेडी इसको स्लाइस तो करके रखा हुआ है, लेकिन इसको फर्दर मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है ना यूँ कट कर रही हूँ. आप चाहें तो इसको स्टीम कर सकते हैं पम्पकिन को, यानी हलवा कद्दू को या पेठा कद्दू भी से बोलते हैं, इसको स्टीम करके गला लें. या मैं इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट्स के लिए रखूँगी तो ये अपने आप कुक हो जाएगा. मतलब क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी वेजिटेबल है, ये सब्ज़ी ऐसी है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता. ये मैंने पूरा कट कर लिया. मैं इसमें एक टेबल स्पून पानी और ये दो, यानी 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाल के इसको माइक्रोवेव में मैं सिर्फ 5 मिनट्स कुक करूँगी तो ये बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा. मैं इसे मैश कर लूँगी. अब मैंने जो दूध लिया है मैंने वो रख दी है माइक्रोवेव में, हम उसको 5 मिनट्स के बाद चेक करेंगे. अब दूध के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून शुगर, ये 1 टीस्पून शुगर है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर मैं डालूँगी ये यीस्ट जो मैंने आपको बताया था. इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है इंस्टेंट यीस्ट डाल रही हूँ. ये अब मैं इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये जो यीस्ट है ये एक्टिवेट हो और अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है ना, ये देखें एक्टिवेट हो गया हमारा ये यीस्ट भी. अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने लिया था जो गंदम का आटा 150 ग्राम, और ये मैंने लिया था 100 ग्राम जौ का आटा. इसमें मैं डाल रही हूँ साथ में इसमें 1 टेबल स्पून शुगर डाल रही हूँ मैं, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ. मैंने इसमें लिया है 150 ग्राम गंदम का आटा, 100 ग्राम जो है मैंने जौ का आटा, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है शुगर, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने सॉल्ट. ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. ये देखिए ये पम्पकिन मैंने रखा था 5 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में 2 टेबल स्पून पानी डाल के, तो देखें कितनी जल्दी वो गल गया. अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी. ये देखें ये अच्छे से मैश हो गया हमारा. अब ये मैश हुआ हुआ मैं सारा पम्पकिन अपने वो जो मैंने गंदम का आटा, जौ का आटा और नमक और साथ में थोड़ी सी चीनी जो मैंने इसमें डाली थी वो डाल दी है, और ये देखें ये कितना अच्छा हमारा प्रूव हुआ है जो है ये यीस्ट हमीर. अब ये दूध और जो चीनी और यीस्ट का मिक्सचर है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है. ठीक है, अब मैं इस आटे को गूंदूंगी अच्छी तरीके से. ये देखें इस तरह से सॉफ्ट थोड़ा गूंदना है आपने. ये देखें ये सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मैंने सख्त नहीं गूंदा. अब मैं इसे किचन काउंटर पे डाल रही हूँ. ठीक है, आपका किचन काउंटर बिल्कुल साफ़ हो, इसको आप डालें किचन काउंटर पे. ठीक है, और इसको इस तरीके से गूंदें. मैंने पहले भी 2 ब्रेड्स बनानी सिखाई थी, एक होल वीट ब्रेड और एक ऑल पर्पज़ फ्लोर ब्रेड. उसमें भी मैंने बताया था कि नीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अभी मैं इसमें ऑयल डाल के नहीं नीड कर रही, थोड़ा सा पहले मैं 5 मिनट्स इसको वैसे नीडिंग करूँगी, फिर उसके बाद ऑयल डाल के नीडिंग करूँगी. ये मैंने इसे 5 मिनट्स गूंदा है. तो अब मैंने क्योंकि ऑयल ना स्टार्ट में डाला था और ना ही मैंने आपको कहा था कि अभी आप डालें,
मैंने पहले कहा है कि इसको थोड़ा सा आप नीडिंग इसकी करें विदाउट ऑयल, तो फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के तो इसकी नीडिंग करें। ये जो हमने ऑयल दिया था ये मैंने दिया था 50 ग्राम, ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के अब इसकी नीडिंग कर रही हूँ। सही है, ये देखें इस तरह, ये देख रहे हैं आप कि मैंने इसे गूंदा है। तो अब मैं इसको मैं तकरीबन 10 मिनट्स जो है अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से यूँ कर रही हूँ ताकि ये नीचे बेस में, और अब मैं इसको उस वक्त तक रखूँगी जब तक कि ये डबल ना हो जाए अपने साइज़ में, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है हम इसे ब्रेड वाले लोफ में डालेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसे रख रही हूँ, तकरीबन 30 से 35 मिनट लेगा, लेकिन जब तक आपका फुल ये डबल साइज़ में ना हो जाए तब तक आप इसे रखेंगे। ये देखिए हमारी डबल हो गई है ब्रेड साइज़ में, ये देखेंगे मैंने प्रेस की है तो वो वापस ऊपर नहीं आई है, दैट मीन्स कि ये डो रेडी है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ इसके अंदर से, बाउल के अंदर से, और काउंटर पे मैं इसको डाल रही हूँ। अब मैं इसको जो है इसको अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी, इसके अंदर से जो एयर है वो पूरी तरह से निकालूँगी, ठीक है। और ये देखें अब मैं इसको इस तरीके से नीचे से इसको मैं यूँ बंद कर रही हूँ ताकि हमारी जब ब्रेड जो है वो फूले तो खुले नहीं। अब अच्छा मैंने ये ग्रीस किया मोल्ड को थोड़ा सा ऑयल के साथ, और वो मैंने इसके अंदर रख दिए जो मैंने आपके सामने अभी नीडिंग की थी, गूंदा था मैंने आटा ब्रेड के लिए। तो अब इसको अब मैं रखूँगी 30 से 35 मिनट्स, या कह लेंगे जब तक ये डबल साइज़ में ना हो जाए तब तक हम इसे रखेंगे। जैसे ये डबल साइज़ में होगा हम इसे बेक कर लेंगे। ये देखिए ब्रेड हमारी जो है साइज़ में डबल हो गई है, क्योंकि ये होल वीट की है तो ये इतनी ज़्यादा नहीं फूलेगी, मैदे की ज़्यादा फूलती है। अब मैं इसको बेक होने के लिए प्री हीटेड देगचे में रख रही हूँ, जो कि मैं 35 मिनट के बाद अब चेक करूँगी। मैं इसे अब प्री हीट देगचे में रखने लगी हूँ। फिर मैंने नमक डाल के स्टैंड रखा हुआ है, उसके ऊपर मैं अब ये अपनी ब्रेड लोफ जो है उसका जो है सांचा वो रख रही हूँ। तो अब मैं इसको जो है ना 35 मिनट्स के बाद अब चेक करूँगी, ठीक है। अब हम इसे 35 मिनट, अब मैं 40 मिनट्स तकरीबन हो गए हैं, तो मैं इस ब्रेड को बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी जो है ना ब्रेड रेडी हो गई है। ये देखें इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मैंने गंदम के साथ साथ जौ का आटा भी मिक्स किया था, तो इस वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा राइज होता है, लेकिन है ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो अभी ये मैं आपको इसे कट करके दिखने वाली नहीं है। ये देखें ये बार्ले और वीट यानी गंदम और जौ की ये ब्रेड है, जो बहुत ही ये हेल्दी ब्रेड है। ये जो डाइटिंग के लिए वेट लॉस के लिए ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें एक तो पम्पकिन है जो बहुत ही अच्छी वेजिटेबल, ये देखिए किस कदर सॉफ्ट सी बनी है ये आप देखेंगे, और ये बहुत ही अच्छी है वेट लॉस के लिए, हेल्थ मतलब जो डाइट कॉन्शियस है उनके लिए। इसमें पम्पकिन है, बार्ले यानी जौ है, जौ का आटा और गंदम के आटे से ये बनी है, इसलिए ये इस तरह से आपको दिखाई दे रही है इसका कलर ऐसे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपको ये कैसी लगी है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।